अररिया के फारबिसगंज में जमीन ब्रोकरी विवाद में एक पार्टनर संजय चौधरी ने अपने दूसरे पार्टनर मनोज ठाकुर को ताबड़तोड़ 5 गोली दाग दी थी। आज पुलिस ने गोली चलाने वाले संजय चौधरी को नेपाल बॉर्डर के चानकिया चौक से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि दोनों जमीन ब्रोकरी से पहले पार्टनर थे, रुपए के लेन देन से विवाद उत्पन्न हुआ और संजय चौधरी ने पिस्टल से 5 गोली मनोज ठाकुर को दाग दी। एसपी ने बताया कि घायल मनोज ठाकुर की स्थिति स्टेबल है और पूर्णिया के मैक्स 7 हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। घटना 14 फरवरी की है, जब मनोज ठाकुर अपनी सैलून की दुकान खोल रहा था, तभी संजय चौधरी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 5 कारतूस को भी बरामद किया है। फारबिसगंज थाना अंतर्गत मेला रोड वार्ड नंबर 7 में समय करीब 7:30 बजे सुबह में मनोज ठाकुर उम्र करीब 45 वर्ष को आपसी रंजिश के कारण सैलून खोलकर सफाई करने के दौरान संजय चौधरी, जो मेला रोड वार्ड नंबर 7 फारबिसगंज के रहने वाले हैं, के द्वारा 5 गोली मार दिया गया था। मनोज ठाकुर पूर्व में वार्ड पार्षद रहे हैं, जो वर्तमान में मेला रोड में सैलून चलाते हैं तथा कांड के आरोपी संजय चौधरी के साथ प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि फारबिसगंज थाना अंतर्गत जमीनी ब्रोकरी को लेकर मनोज ठाकुर को अपने पार्टनर संजय चौधरी से विवाद हो गया था, जिस कारण ही आरोपी संजय चौधरी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। जख्मी मनोज ठाकुर वर्तमान में मैक्स हॉस्पिटल पूर्णिया में एडमिट हैं, जो अभी स्टेबल कंडीशन में है। उक्त घटना को लेकर फारबिसगंज थाना कांड संख्या 42/2024-14/1-24 दर्ज किया गया है। घटना के तुरंत बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फारबिसगंज के नेतृत्व में टीम गठन किया गया। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर दिनांक 15/1/24 को आरोपी संजय चौधरी को जोगबनी थाना क्षेत्र में नेपाल बॉर्डर के चाणक्या चौक से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के क्रम में संजय चौधरी के द्वारा गोली मारने की बात स्वीकार की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान एवं निशानदेही के आधार पर घटना में प्रयोग किए गए एक पिस्टल और उसके साथ एक अन्य देसी कट्टा को इनके घर के दक्षिण कुछ दूरी पर मिट्टी के नीचे दबा कर रखे गए अवस्था में बरामद किया गया है। एक देसी पिस्टल इसमें बरामद है, एक देसी कट्टा है, खोखा 5 जो घटनास्थल पर हम लोग को प्राप्त हुआ था, इसमें संजय चौधरी की गिरफ्तारी हो गई है। अग्रिम कार्रवाई हम लोग बचे हुए शेष कार्य को हम लोग जल्दी पूरा करेंगे। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।